आपल्या भोवताली खूप संभ्रम असतो, अशा वेळी डोक्यात प्रचंड चीड साचत जाते. नितीन, आपण इलेक्शन पडलो. रमेश, स्पर्धा जिंकलेल्या माणसाचं अभिनंदन करायचं असतं. तोच पोर वयात जीवाला जीव देणारे मित्र हाताशी घेऊन समाज हितासाठी धडपड करतो. इकडे लपून काय करताय तुम्ही लोक? का नाव तुझं? आणि एक दिवस अंधाराला घाबरून आपण कधी कधी रस्त्यावर चालणंच बंद करतो, पण आपण विसरतो की अंधारात चालता चालता कधी ना कधी उजेड होणारच. विश्वास ठेवा, आजचा हा सूर्य सगळ्यात तेजस्वी असेल. साहेब होतो. नितीन, कैसे बनाओगे ये एक्सप्रेसवे? मैं चाहता हूं कि ये प्रोजेक्ट सरकार करे और किसी भी प्राइवेट कंपनी पे निर्भर ना रहते हुए कम से कम कीमत में हमें यह काम पूरा करना. तुम ये तुम्हारी जिद छोड़ दो नितिन. कसा काय शक्य आहे नितिन हे सगळं? पहचान क्या है आप? संघ का स्वयंसेवक, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन या फिर फ्लाई ओवर मिनिस्टर? देखिए, आप एक बात समझिए, जहाँ चाह है वहाँ राह है, और जहाँ चाह नहीं वहाँ सिर्फ सर्वेक्षण, विचार विमर्श समितियाँ, उप समितियाँ, सेमिनार और अध्ययन दल होते हैं. नितिन, ऐसे कई लोग आए हैं जो कहते हैं पर होता कुछ नहीं आगे. अगर ये एक्सप्रेसवे मैं इस कॉस्ट में नहीं कर पाया तो मैं अपनी ये मूछ मुंडवा दूंगा.